अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बेस पर ट्रेड करते हो तो आप 99% मार्केट से प्रॉफिट कर सकते हो। और ये मैं अकेले नहीं बोल रहा हूँ, ये हर वो ट्रेडर बोलता है जो आज के डेट में एक सक्सेसफुल ट्रेडर है और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। अगर आपको नहीं पता है और अगर आप एक बिगनर ट्रेडर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाली है। इस वीडियो में आप लोगों को एक बेसिक एडवांस लेवल का स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ। अगर आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ करते हो अपने ट्रेडिंग लाइफ में तो आप डेली बाई डेली मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हो। बट आपको इसमें रूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेडिंग में रूल्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब तक आप रूल्स को फॉलो नहीं करते हो तब तक आप कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसे नहीं बना सकते, ऑप्शन ट्रेडिंग से प्रॉफिट नहीं कर सकते। तो ये स्ट्रेटजी हो या फिर कोई भी स्ट्रेटजी हो, जब तक आप उसके रूल्स फॉलो नहीं करोगे तब तक आप कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ कर लो कोई भी प्रॉफिट नहीं बनने वाला। तो चलिए मैं लेकर चलता हूँ आप लोगों को कंप्यूटर की स्क्रीन पे, और वहाँ पे मैं आप लोगों को एक सीक्रेट स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ जो हर एक बिगनर ट्रेडर को पता होना चाहिए। सो गाइस, फिलहाल हम आ चुके हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं जो भी चीज़ें बताऊँगा वो आपको ध्यान से सुनना है और ध्यान से देखना है, और फिर जाके आपको अपने ट्रेडिंग में अप्लाई करना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा है। हालांकि आपको पता, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो निफ्टी और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में अक्सर ट्रेडिंग किया जाता है, स्कैल्पिंग किया जाता है। तो आज मैं आप लोगों को निफ्टी में बताऊंगा, क्योंकि मैं निफ्टी को बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, बैंक निफ्टी में बहुत कम मैं ट्रेड लेता हूँ। तो इसलिए मैं आप लोग को निफ्टी के बारे में ही बताऊंगा कि निफ्टी में ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से आपको ट्रेड बनेगा और कब आपका ट्रेड बनेगा, किस तरीके से आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ कि ट्रेडिंग का मतलब कॉन्सेप्ट क्या। ठीक है, यहाँ पर क्या करना, आप लोगों को कुछ कैंडल्स को देखने रहते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको मार्केट को देखना होगा कि मार्केट किस पोजीशन में है और कब ये ट्रेंड बनेगा या फिर कब ये स्ट्रेटजी बनेगी और कब नहीं बनेगी। तो उसके लिए सिंपल क्या करना आप लोगों को, देखो मार्केट तीन ट्रेंड में चलती है, या तो मार्केट अप ट्रेंड में चलेगी, या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में चलेगी, या फिर मार्केट रेंज में चलेगी। ये तीन टाइप से मार्केट चलती है। ठीक है, ये तीन ही आपको टाइप देखने को मिलेगा मार्केट में। ज़्यादातर मार्केट रेंज में रहती है, ट्रेंड बहुत ज़्यादा कम आता है, लेकिन ये जो स्ट्रेटजी है जब मार्केट ट्रेंड में होगा तभी हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। ज़्यादातर ये ट्रेंड में ही काम करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रेंड में ही इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करेंगे। बाकी हम लोग ध्यान देंगे कि रेंज में भी ये काम कर रहा कि नहीं कर रहा, उसके भी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको मैं बताऊंगा और उसे भी आपको ध्यान से देखना है। ये मार्केट में कोई मायने नहीं रखता कि जब ये ट्रेंड में होगा तभी मार्केट में ये स्ट्रेटजी बनेगी, ये स्ट्रेटजी काम करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये रेंज में भी कर सकती है, बस आपको कुछ कॉन्सेप्ट इसके पता होना चाहिए, कुछ बेसिक चीज़ें आपको पते होने चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, मेन मुद्दे पर आता हूँ, और वो स्ट्रेटजी क्या, किस तरीके से स्ट्रेटजी काम करेगी और कब ये स्ट्रेटजी बनेगी। तो देखो सिंपल काम करना है आपको, जब भी आप मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता होगा कि 9:15 पे मार्केट ओपन होती है। जैसे कि मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट को ओपन किया और यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जो हमारा कैंडल है ये फर्स्ट कैंडल है जो हमारा ओपन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे 9:15 पे ये वाला जो कैंडल है वो हमारा ओपन हुआ है। तो अगर आप लोग दिन भर बैठ के ट्रेडिंग करते हो तो भाई उसके लिए तो बहुत सारी स्ट्रेटजी है, बट अगर आप लोग दिन भर बैठ के ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो तो आपको क्या करना होगा, सिंपल काम करना होगा, आप लोगों को आना होगा 2:50 पे या फिर 2:40 पे। तो आप लोगों को क्या करना होगा, नोटिस करना होगा कि 2:50 पे कौन सा कैंडल बन रहा है, और उसके पहले आपको चार्ट को ओपन करके रख के देखना होगा। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे कि मार्केट में आप लोगों को दिखाऊं कि ट्रेंड में है या फिर रेंज में है, तो यहाँ से देखेंगे मार्केट क्या हुआ। मार्केट देखो यहाँ से मार्केट यहाँ पे पहले आया, ठीक है, यहाँ पे मार्केट आया, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में। इसको हम बोलेंगे कि मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा, मतलब कि अप ट्रेंड में मार्केट है, ये अप ट्रेंड में मार्केट है। अब हम क्या करेंगे, इस जगह पे हमारा स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छा खासा काम करने वाला। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ये जो स्ट्रेटजी है वो ट्रेंड में बहुत ही अच्छा खासा काम करती है, और ट्रेंड में बहुत ही अच्छा खासा बनती भी है और प्रॉफिट भी देती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ट्रेंड में जब बनी, तो मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को आना होगा 2:50 पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले 2:50 का कैंडल देखेंगे कि 2:50 पर कौन सा कैंडल बनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो, जो मैं आप लोगों को थोड़ा सा नोटिस कर रहा हूँ, तो ये जो छोटा वाला कैंडल है ये 2:50 पे कैंडल बनी है। तो आप लोगों ने ये तो देख लिया, फिर आप लोगों को वेट करना होगा 2:55, मतलब इसका जो नेक्स्ट कैंडल है, अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो आप लोगों का जो नेक्स्ट कैंडल है ये वाला कैंडल, इसको आपको नोटिस करना होगा कि ये वाला कैंडल कब बन रही है, कहाँ पे क्लोज हो रही है और कहाँ पे ओपन हो रही है। तो जैसे ही ये वाला कैंडल ओपन होगी और क्लोज होगी तो आपको क्या करना होगा, इस कैंडल का हाई मार्क कर देना है और लो मार्क कर देना है इस तरीके से।
हाई मार्क करना, लो मार्क करना है। उसके बाद मार्केट जिधर भी ब्रेक करेगी आपको उस साइड का ट्रेड लेना है। आपका स्टॉप लॉस होगा उस कैंडल का लो या फिर हाई, और आपका टारगेट होगा नेक्स्ट सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस। ठीक है, तब यहाँ पे हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे अगर इसको मैं आप लोगों को बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आप लोगों को नहीं पता तो उसके लिए कमेंट करना, मैं उस पर एक डिटेल्स में वीडियोज़ बना दूंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा जल्दी में बता दूं तो देखो यहाँ पे मार्केट रेंज में लिया तो यहाँ पे एक सपोर्ट है मार्केट में, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं यहाँ पे एक सपोर्ट है। ठीक है, ये सपोर्ट मान के हम चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्केट में जो मैंने आप लोग को बताया हाई मार्क करना लो मार्क करना है, तो ये वाला कैंडल का हम करेंगे हाई मार्क लो मार्क। ठीक है, यहाँ पे हमने किया, अब जिधर ब्रेक किया हम उस साइड में ट्रेड लेंगे। तो जैसे कि देख सकते हो पुट साइड में हम लोग मार्केट मतलब ब्रेक कर दिया, तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, हमारा टारगेट यहाँ तक होगा, ये मार्केट में ट्रेड मतलब टारगेट यहाँ तक होगा। अगर आप यहाँ तक टारगेट लेके चलते हो तब भी आप मार्केट से देखोगे बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट बना लोगे। जैसे मैं आपको काउंट करके दिखाऊं, तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपने ट्रेड लिया और मार्केट में प्रॉफिट आपको मिला यहाँ तक, मतलब कि यहाँ पे 68 पॉइंट का आपको प्रॉफिट मिल जाता है। और यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस होता है बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस होता है, यहाँ पे आप हाफ भी रख सकते हो या फिर फुल रख सकते हो, फिर भी आपके यहाँ पर 42 तक आपका स्टॉप लॉस होगा और यहाँ पे प्रॉफिट आपका डबल मिल जाता है। तो इस तरीके से आप इस स्ट्रेटजी का यूज़ कर सकते हो। एक्चुअली मैं आप लोग को थोड़ा और एग्जाम्पल दिखा दूँ, ऐसा नहीं है कि ये तुक्का है और तुक्के से मैं आप लोग को बता रहा हूँ, तो थोड़ा मैं आप लोग को और एग्जाम्पल दिखाने की कोशिश करूँगा जिससे कि आप लोग को डिटेल्स में समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये मार्केट में हमेशा काम करती है और इसके बेस पर ट्रेड किया जा सकता है। जैसे ही मैंने आप लोग को बताया कि मार्केट में ट्रेंड होना चाहिए, तो यहाँ पे आप देखोगे मार्केट में कोई भी ट्रेंड नहीं है, मतलब मार्केट यहाँ पे क्या है एक रेंज में चल रही है। यहाँ पे आप लोग को दिखाओ तो मार्केट देखोगे यहाँ पे एक मार्केट रेंज में चल रही है, यहाँ पे कुछ भी मतलब मोमेंटम नहीं आया मार्केट में दिन भर। यहाँ पे मार्केट में बहुत सारे लोगों ने ट्रेड लिया नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे 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 मार्केट मतलब एक रेंज में ही मार्केट चलती रहती है, यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं बनेगा, तो इस स्ट्रेटजी को आप भूल जाओ कि यहाँ पे बनने की कोई चांस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कभी भी नोटिस नहीं करेंगे, फोकस नहीं करेंगे इस पे बेस पे ट्रेड करने के लिए। अब चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जहाँ पे मार्केट ट्रेंड में है वहाँ पे ये स्ट्रेटजी बनी की नहीं बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे भी मार्केट में कुछ खास ट्रेंड नहीं है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट में यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड आया है, जैसे कि मैं आप लोग को दिखाऊं तो मार्केट देख सकते हो यहाँ से ओपन हुआ है। ठीक है, यहाँ से अगर हम काउंट करें तो यहाँ से मार्केट गया है यहाँ पे, तो मार्केट क्या अभी अप ट्रेंड में है। ठीक है, मार्केट क्या हुआ यहाँ पे ओपन हुआ, ऐसे 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 मार्केट यहाँ तक गया और फिर नीचे आया। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे लगभग अप ट्रेंड में है, तो यहाँ पे हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि स्ट्रेटजी बनेगा और उसके बेस पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो मैंने आप लोग को बताया दो बज के 55 मिनट कैंडल का हाई मार्क करना लो मार्क करना है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़ा कैंडल करके आप लोग को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे ये वाला जो कैंडल है 2:55 का, ये वाला जो कैंडल है ये कैंडल है 2:55 मिनट का, इसका मैंने हाई मार्क किया लो मार्क किया। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया जिस साइड में ब्रेक करेगा उस साइड में आपको ट्रेड लेना है, तो मार्केट में क्या हुआ लो साइड में ब्रेक किया, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर अपना ट्रेड लेंगे, सॉरी इसको मैं कट करता हूँ, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अपना ट्रेड लेंगे। हमारा जो टारगेट रहेगा वो अगले रेजिस्टेंस या सपोर्ट तक, मैंने आप लोग को बताया था कि यहाँ तक हम लोग को टारगेट मिलता है, और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा उस कैंडल का लो या फिर हाफ। तो देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग प्रॉफिट मिला होगा जिन्होंने इस स्ट्रेटजी के बेस पर ट्रेड लिया होगा। यहाँ पे आपको 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिल जाता है, यहाँ पे आपको 49 पॉइंट का आपको प्रॉफिट मिल जाता है। बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट होता है भाई, अगर आप 1:1, 1:2 भी करते हो तो बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाता है आप लोगों को। तो इस स्ट्रेटजी के बेस पे आप ट्रेड ले सकते हो। और मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखाना चाहूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर भी जो लोग देखना चाहते हैं इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें, मैं आप लोगों को और एग्जांपल दिखा देता हूँ कि इस बेस पे और कैसे आप मतलब ट्रेड ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फिर से एक ट्रेंड ढूंढने की कोशिश करूँगा। अब ऐसा नहीं है कि आपको कहीं भी ट्रेंड मिलेगा तो भाई घुस जाना, नहीं, आप लोगों को 2:55 मिनट का कैंडल का वेट करना है। इस कैंडल में बहुत ही खास बात होती है, जैसे कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया मार्केट एक रेंज में है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट एक रेंज में है, तो यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं बना, इस पर आपको फोकस ही नहीं करना कि यहाँ पे आपका ट्रेड बनेगा, इस पर आपको थोड़ा सा भी फोकस नहीं करना। जहाँ पे मार्केट ट्रेंड में होगा वहीं पे हम लोग थोड़ा सा नोटिस करेंगे कि मार्केट आएगा, यहाँ पे भी देख सकते हो मार्केट ट्रेंड में नहीं है, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने नोटिस नहीं किया, यहाँ पे भी मार्केट ट्रेंड में नहीं है,
यहाँ पे भी हमने फोकस नहीं किया, मतलब कि आप लोग को रूल्स को फॉलो करना होगा। जब तक रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो भाई लॉस हो सकती है आपकी, उसके बाद मुझे मत बोलना, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हो मार्केट एक रेंज में ही था, फिर बाद में मार्केट में थोड़ा सा मोमेंटम आया था, तो यहाँ पे जो स्कैल्पिंग है फास्ट स्कैल्प करते हैं तो उन लोगों का थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ होगा, मैं काउंट करके बताऊँ तो यहाँ पे उन्होंने ट्रेड दिया होगा और यहाँ पे वो लोग निकाल देंगे सपोर्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे 40-50 पॉइंट का लगभग मिल गया होगा प्रॉफिट, बट बहुत बड़ी बात नहीं है, और आपको इसके लिए बहुत फास्ट मोमेंटम चाहिए, बहुत फास्ट आपको बाई सेल करना पड़ेगा, फिर जाके आप इस एलपी में मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल मुझे ऐसा कोई नहीं दिख रहा कि मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम आया हो, बट आता ऐसा नहीं है कि मतलब मार्केट में मोमेंटम नहीं आता। मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहां पे देख सकते हो, यहां पे वो आपको देखने को मिलेगा 2:55 कैंडल, ये है, ठीक है। यहां पे देख सकते हो मार्केट क्या था पहले, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रही थी, मतलब मार्केट यहाँ से नीचे गिरी थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, तो यहाँ पे आप लोग को ये वाला जो कैंडल है, ये 2:55 कैंडल है जो मैं यहाँ पे सर्कल में कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करना है आप लोग को, हाई मार्क करना, लो मार्क करना, जिससे मैं आप लोग को बताया था। तो यहाँ पे आपने हाई मार्क किया, लो मार्क किया, जैसे यहाँ पे ब्रेक किया आपने ट्रेड लिया, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, आपका प्रॉफिट हुआ 82 पॉइंट का, और आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा रहेगा यहाँ पे 22, ठीक है। यहाँ पे आपका 24 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और यहाँ पे 82 पॉइंट का आपका प्रॉफिट था। तो इस तरीके से आप मार्केट से प्रॉफिट बहुत ही अच्छा खासा बना सकते हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एडवांस लेवल का स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, बट जितना ज़्यादा कमेंट करोगे उतना अच्छा स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। सो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।